मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, और गुजरात को विजयी बनाने वाले मेरे गुजरात के कोटि कोटि बंधु भगिनी, जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप मुझे भली भांति जानते हैं, आज उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग बैठिए, नहीं दिखता है तो सिर्फ आवाज सुनिए मेरी। जैसे चुनाव में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थकते हैं, वैसे ही चुनाव में मीडिया के मित्रों को भी बड़ी थकान रहती है, बहुत भारी काम रहता है उनको भी, और इसलिए उनके प्रति भी आप लोग प्रेम और उदारता बरतें, कि मेरी आप सबसे प्रार्थना है। भाइयों बहनों, अब सुनना ही होगा आपको, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आप लोग आगे वाले खड़े हो जाएंगे, पीछे क्या होगा, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। कभी यहां से आवाज सुनी होती है, कभी यहां से होती है। भाइयों बहनों, गुजरात के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश की जनता, इस देश का मतदाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भांति समझता है। और जब जनता को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का अवसर आता है, तब हर किसी की सोच के ऊपर उठ करके बहुत ही ऊंचाई के साथ और भविष्य को नजर में रखते हुए मतदाता निर्णय करता है। गुजरात के चुनाव नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र की इस लंबी प्रक्रिया के दरमियान गुजरात का मतदाता कितना मैच्योर्ड हुआ है, सारे लोभ लालच से ऊपर उठ करके भांति भांति के जहर से ऊपर उठ करके अगर मेरा गुजरात का भला होगा तो कल मेरा भी भला होगा, ये छोटी चीज नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक सादा सीधा वाक्य रखा था, एक मत गुजरात,
पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी ऐसे सरल वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया था, न वो स्पाइसी था, न वो किसी के खिलाफ था, हल्का फुल्का विचार रखा था। और जैसे कमल के फूल को लोगों ने उठा लिया, उस मंत्र को भी लोगों ने उठा लिया। देश के पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा कि गुजरात ने 80 के दशक के जातिवादी जहर को और उसके दुष्परिणामों को भली भांति देखा है, अनुभव किया है और उसके कारण गुजरात के मतदाता गुजरात में कभी भी वो 80 के दशक का हाल नहीं चाहते हैं। गुजरात के मतदाता भाई एक मिनट है आवाज़ दोन भाई एना माटे सुना टाइम बगाड़ो अने एनु दर वक्त आवु है प्लीज कम भाइयों बहनों गुजरात के मतदाता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना ये हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया है। भाइयों बहनों जो लोग भांति भांति के समीकरण लगाते थे और देश में एक परंपरा बनी थी कि सरकारों का काम आना और जाना है, एक सरकार आएगी वो 5 साल रहेगी फिर दूसरी आएगी वो 5 साल रहेगी, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता था। लेकिन अब जनता सरकारों को जवाबदेह बनाती है, बार बार जिम्मेवारी देकर के उसके काम का हिसाब मांगती है। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, बार बार सरकारें चुन करके आती हैं, तब शासन में बैठे हुए राजनीतिक दल की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लंबी सोच का काम वो ही मतदाता करते हैं जो काफी मैच्योर हुए होते हैं। मैं गुजरात के मतदाताओं को इस बात के लिए लाख लाख कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, मैं गुजरात के मतदाताओं को वंदन करता हूं कि उन्होंने हर लुभावनी बातों को ठुकरा दिया। साल डेढ़ साल से चल रहे लगातार झूठ को मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन मैनिफेस्टो को ब्राइब में कन्वर्ट करने के बावजूद भी लोग उससे मोहित नहीं हुए और इसलिए सारे देश के पॉलिटिकल पंडित जब आज गुजरात की चर्चा कर रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी की जितनी चर्चा करनी है करें, सालों से करते आए आगे भी करते रहे, लेकिन अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। अगर चर्चा करनी है तो उनकी कीजिए, यस देना है तो उनको दीजिए और कुछ सीखना सिखाना है तो मेरे गुजरात के मतदाताओं से सीखिए। भाइयों बहनों इस चुनाव में
मिसाल कायम की है और वो मिसाल ये है। हमारे देश में एक मान्यता थी कि गुड इकोनॉमिक्स इज ए बैड पॉलिटिक्स। सुशासन, डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये चीजें हमारे देश की राजनीति को सूट नहीं करती है। भाइयों बहनों, मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये अगर जमीन पर दिखाई दे तो जनता बाकी सब बातों से ऊपर उठ करके उचित फैसला करती है और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया है। मैं इस चुनाव के माध्यम से, इस नतीजों के माध्यम से, मैं गुजरात के मतदाताओं के उस उत्तम निर्णय के माध्यम से और मेरे गुजरात के मतदाताओं की तरफ से देश के नागरिकों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सारे देश में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट उसके लिए दबाव पैदा होना चाहिए। देश की सरकारों को, देश के राजनीतिक दलों को खोखले वादे, झूठे नारे, उससे बाहर निकल करके उन्होंने हर किसी हालत में जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और अगर देश के राजनीतिक दल, देश के राजनेता आज जो विकास की भूख पैदा हुई है, सामान्य मानवी सुशासन के लिए लालायित हुआ है, उस समय देश के लोकतंत्र की भलाई इसमें है हम जनता की आशा आकांक्षाओं को समझे। और मुझे आज खुशी है कि हमने जिस दिशा में काम प्रारंभ किया था, हमने तत्कालीन लाभ के लिए कभी नहीं सोचा। पिछले 11 साल में बहुत कठोर निर्णय भी किए, समाज के एकाध हिस्से को नाराज भी किया होगा, दो चार गांव को भी कभी नाराज किया होगा। तत्कालीन शायद मतदाताओं को यह भी लगा होगा कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथियों को लगा होगा नरेंद्र भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन परमात्मा ने जो रास्ता दिखाया था और जनता की भलाई के लिए मुझे करना जो जरूरी लगा था, किसी भी बद इरादे को साथ नहीं, निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ जब किया था, तो उस समय तो शायद कुछ माहौल पैदा हुआ होगा, विरोध का माहौल भी बना होगा। लेकिन उन्हीं मतदाताओं ने समय रहते उस कठोर निर्णय को भी गले लगाया और मेरी पार्टी को साथ दिया, मुझे साथ दिया। और जनता जनार्दन का ये साथ ही है जो मुझे सही निर्णय करने की ताकत देता रहता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण के सिवाय कोई लाग लपक नहीं है। मन में एकमात्र सपना है, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात। और इसलिए भाइयों बहनों, झूठे वादे कर करके, बहकाने वाले लोग, मैं तो आज जैसे मैं गुजरात के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, साथ साथ आप लगातार अखबारों में पढ़ते थे कि मोदी सरकार के कारण सरकार के मुलाजिम बहुत नाराज है, डिकना है, फलाना है, न जाने पिछले 5 साल में क्या कुछ लिखा गया,
लेकिन आज जब पोस्टल बैलेट खोले गए तो सबकी आंखें फट गई। 70-75% वोट सरकारी मुलाजिमों ने जब पोस्टल बैलेट किया था वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। अनिष्ठा मतलब ये हुआ कि शासन की व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनको भी अधिक काम करने से पीड़ा नहीं है, वरना लोग कहते थे कि मोदी के शासन में इतना काम करना पड़ता है, लोग क्यों मोदी को वोट देंगे। लेकिन मैं आज मेरी सरकार के उन 5 लाख मुलाजिम, मेरे कर्मियों के भाइयों, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने उस काम को मोहर लगाई है, वरना मुझे मालूम है कि आपको छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है। मुझे मालूम है पहले आप 5 बजे 6 बजे घर जा पाते थे, आज रात को 10 बजे भी नहीं जा पाते हैं, मुझे मालूम है। मैंने 10 साल में उनसे इतना काम लिया है जितना शायद वो 25 साल में उनको करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी गुजरात की भलाई के लिए मेरे सरकार के साथियों ने भी जी जान से मेरे साथ जुटे रहे, जनता की भलाई के लिए काम करते रहे और फिर एक बार मुझे मोहर लगा करके उस काम को करने के लिए अपनी तत्परता को दिखाया। ये हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो भाइयों बहनों, इस पूरे चुनाव में मेरी कोशिश रही है और बड़ी प्रामाणिकता से रही है, बड़ी जागरूकता से रही है, मुझे किसी पर भी व्यक्तिगत कोई आरोप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और न ही मैंने लगाए हैं। हो सकता है कठोर शब्द प्रयोग हुए हो, लेकिन हरेक की इज्जत रखने की मैंने कोशिश की है। लोकतंत्र में मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूं, लोकतंत्र में सब प्रतिस्पर्धी होते हैं और ये खेल का मैदान होता है। मैं खेल दिली से जीतने का चाहता था और आज जनता ने खेल दिली के साथ मुझे जिता दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि बचपन से मुझे जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार इस पल तक, उसमें कोई गिरावट मैं नहीं आने दी है। जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों का प्रकटीकरण का प्रयास तनावों के बीच भी, अच्छे माहौल के समय भी पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। उसके बावजूद भी एक इंसान के नाते कहीं कोई मेरी कमी रह गई हो, कहीं कोई मेरी गलती रह गई हो, तो मैं मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों, उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। इंडियाज नंबर 1 न्यूज ऐप जस्ट गॉट इवन बेटर। डाउनलोड NDTV's न्यू ऐप, फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड फॉर रेटिना डिस्प्ले, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.